फ्रेंड्स, बैंगन की सब्जी बनानी है और वो भी देसी बैंगन की। तो उसी के लिए हमें बैंगन तो चाहिए। ये थोड़े 300 ग्राम से ज़्यादा बैंगन है मेरे पास में, थोड़े से पुराने हो गए हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश हो तो आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से ग्रीन हो तो आपको काम में लेना है ये छिलका ऊपर का, वरना ये ऐसे इस तरीके से ख़राब हो गया हो इस तरीके से तो आप इसे निकाल दें। तो अभी क्या करते हैं, बैंगनों को हम कर लेते हैं साफ, छील कर काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है पैन, पैन में डालते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ करीब हम 3 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल, और ये हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं करता है, फायदा करता है। तो तेल को गर्म होने देते हैं हम। तो यहाँ तेल में हम डालेंगे सबसे पहले चना दाल करीब 3 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे उड़द दाल धुली हुई। साथ में इसमें डालेंगे हम करीब 3 टेबल स्पून ही चमले, और अच्छे से इनको तेल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। तो चार डाल दी मैंने, कश्मीरी है, तीखी नहीं होती है। साथ में इसमें डालते हैं हम थोड़ी सी अजवाइन, करीब 3 से 4 चुटकी अजवाइन। धनिया साबुत करीब 1 टेबल स्पून, 2 से 3 4 चुटकी सौंफ, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, इनको भी इसमें मिलाते हैं। साथ में डालते हैं इसमें 3 हरी मिर्च, ये देखिए यहाँ पर दालें, चमला, सब चीज़ें अच्छे से भून लेनी है आपको। इसमें करीब 3 से 4 मिनट लगना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ डालते हैं हम 2 बड़े साइज के टमाटर बारीक काट के, और टमाटरों को मिलाने के बाद में थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, और मिला देते हैं नमक। देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं बस, और इनको खाली कर देते हैं मिक्सी के जार में। इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और ठंडा करके इसको क्या हम इस तरीके से ढक्कन लगा के पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए बैंगन हमने सारे काट लिए हैं, और एक भी काना बैंगन नहीं निकला, और पानी में डाल दिए क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। ये देखिए पानी कितना इन्होंने कलर चेंज कर दिया है, और ये थोड़ा ऊपर है तो ये काले हो गए, डूबा हुआ रहेगा ना ऐसे, पर ये तैर के ऊपर आ जाते हैं। और इनको हमने इस तरीके से लंबे लंबे साइज में काटा, ये देखिए। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालते हैं वापस सरसों का तेल करीब 2 टेबल स्पून। सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही मस्त फ्लेवर आता है बैंगन का। तो अब यहाँ पर डालते हैं हम 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून जीरा। तड़का लग गया है, गोल्डन सा जैसे हो जाए, तो इसमें यहाँ डालेंगे हम करीब करीब 2 प्याज मीडियम साइज की बारीक कटी हुई, थोड़ा सा प्याज को स्टर कर लेते हैं हम, फ्राई कर लेंगे उसमें। यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन कुटा हुआ, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, और 1.5 इंच अदरक। अदरक मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। करीब 2 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद ऐड करें इसे, और ये पूरा और ये भी फ्राई कर लेते हैं इसमें। 2 मिनट हमने अदरक और लहसुन डालने के बाद अच्छे से कर लिया इसको फ्राई। अब बैंगन ऐड करने की बारी है, सीधा इसमें डालेंगे बैंगन। करते
गैस लो फ्लेम पर डालते हैं यहाँ पर धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे थोड़ी 1/4 टीस्पून यानी क्वार्टर चम्मच, थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हम नमक हाफ टी स्पून, ये थोड़ा सा और करते हैं टॉस। ऐड करते हैं हम, थोड़ा चलाते हैं इसे, पानी बाद में डालेंगे, थोड़ा सा और स्टर कर लेते हैं इसको हम अच्छे से। एक मिनट से डेढ़ मिनट इसको स्टर कर लें, टॉस कर लें पहले, और डाल देते हैं इसमें आधा गिलास पानी, ये मिलाते हैं। और इसको रखते हैं हम ढककर लो फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट के लिए, बीच बीच में चेक करेंगे। यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इन्हें, इस तरीके से चला लेते हैं इसको ये, और वापस 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। इससे 2 मिनट हो गए हैं, ये बैंगन अच्छे से पक गए होंगे, क्योंकि गैस जितनी धीरे रखेंगे बैंगन उतनी जल्दी पकेंगे। तो अभी क्या करते हैं हम, ये बैंगन निकालते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये इसको डालते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1/2 टेबल स्पून, और मिलाते हैं इसको इसमें। अब यहाँ पर हमारा मिक्सी में पेस्ट भी तैयार कर लिया हमने, शुरू में जो दालें, अब इसको पीसते समय आपको ये ध्यान रखना है सर पानी डालना पड़ेगा, दालें काफ़ी पानी सोख करती है, कोई नहीं बताएगा आपको, तो पानी डालकर आपको इसमें बिल्कुल ऐसा पेस्ट बना लेना है, और ये बैंगन आपके हेल्दी हो जाएंगे। इससे इसमें ऐड कर देते हैं इस पेस्ट को, अब रिक्वायर के हिसाब से कर सकते हैं आप, पहले हम कितना करेंगे करीब आधा इसमें पहले हम डालेंगे, मिला के देखेंगे, ये बाद में आप किसी भी रेसिपी में किसी भी सब्जी में ऐड कर सकते हैं, ये सब मिलाएंगे हम अच्छे से इसमें। ये मिला लिया, आधा ही लगेगा, और ये बैंगन इसके अंदर आधा ही पेस्ट डालना, ध्यान रखना आप, और ये बैंगनों को इसमें मिलाते हैं ये, मतलब आप ये देखिए ग्रेवी डालने के बाद में कितने थिक हो गए हैं, और इसमें ग्रेवी वाले बैंगन बना रहे हैं हम, और इतने टेस्टी बनेंगे ग्रेवी वाले बैंगन, आप मज़ा आने वाला है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हमने कश्मीरी ही यूज़ करी है दोनों जगह, तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च, तो करीब 1/2 टीस्पून तीखी वाली डाल देते हैं, और इसमें ऐड करेंगे पानी, यहाँ डालेंगे हम इसके अंदर करीब 1 गिलास पानी, मिलाते हैं हम इसको। देखिए अब इसमें क्या है कि दालें डली हुई है, वाइट दाल डली हुई है, वाइट चमले डले हुए हैं, तो कलर आप सोचे कि रेड आ जाए, तो सब चीज़ों का कलर रेड नहीं होता है, वो तो कड़ी का भी येलो होता है, इसका कलर थोड़ा सा येलो डार्क है, और पर खाने में एक लाजवाब लगेंगे ये। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इतना पेस्ट बचा है आधा, जैसे आलू बना रहे हैं आप तो आलू फ्राई कर ले, आलू में डाल दें, ग्रेवी वाले आलू हो गए ये, इनको रखते थे ढक के, गैस रखते हैं हम मीडियम लो फ्लेम पर, और इसे थोड़े बबल आने तक रहने देते हैं। हाँ तो यहाँ पर आ चुके हैं बबल, और इसको मिला लेते हैं हम एक बार,
और डालते हैं बारीक कटा हुआ धनिया। गैस करते हैं बंद और ये मिला लेते हैं इनको। अब ये देखिए ग्रेवी वाले बैंगन, ये देखिए इसके साथ में जब ग्रेवी के साथ बैंगन मिला के खाएंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था। ये देखिए तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा लें। इससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी हर रेसिपी का।